सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड बारिश अभी भी कंटिन्यू है, बहुत ही दिमाग ख़राब हो गया है। एंड रोज़ का रोज ये किच किच कपड़े नहीं सूखते हैं, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और मैं उठ चुकी थी और यहाँ पे ये मज़े से सो रही थी। इसी की लाइफ में मज़े हैं बाबा। तो चलो चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज का पूरा काम। गला थोड़ा बैठ गया है रूटीन में थोड़े चेंजेस आने की वजह से, तो पीते हैं गर्मा गर्म चाय एकदम से। और चाय पीने के बाद में करते हैं दिन के बाकी सारे कामों की तैयारी। तो रवा को दही में भिगोकर मैंने रात भर रख दिया था और यहाँ पे मैंने प्याज राई और हरी मिर्च का तड़का मार दिया है इसको। और इसको मैं अब अच्छे से मिला लूँगी। मिलाने के बाद अब इसको मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। रात को ही अभी ने मुझे बोल दिया था कि मुझे कल टिफ़िन में अपम चाहिए, तो यहाँ पर अब मैं थोड़ा थोड़ा तेल डाल रही हूँ, एक एक ड्रॉप हर एक में। और इसके बाद ये थोड़ा सा गर्म हो गया है। अब इसमें मैं अपना अपम का पेस्ट डालने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं सारे अपम के पेस्ट अब डाल दे रही हूँ। अभी को ऐसा वैराइटीज़ में टिफ़िन बहुत पसंद आता है, तो मैं ट्राई करती हूँ अलग अलग वैराइटी देने का, ताकि वो मन से खा ले और उसका पेट भी भर जाए। सो वैराइटीज़ रहने की वजह से वो टिफ़िन अच्छे से फिनिश कर लेता है। तो यहाँ पर मैंने 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था और यहाँ पर ये देखिए अच्छे से लाल हो के एकदम ब्राउन हो के पक चुके हैं। अब इसको मैं पलट दे रही हूँ सारे, और पलटने के बाद इसको वापस से 2-3 मिनट के लिए छोड़ के फिर मैं इसे निकाल लूँगी। और इसके साथ में मैं उसको एक्स्ट्रा में देने वाली हूँ लहसुन फरसान और मसाला चपाती, क्योंकि इससे सिर्फ उसका पेट नहीं भरेगा, क्योंकि उसके फ्रेंड्स भी उसके साथ शेयर करते हैं, तो उनके लिए भी मुझे एक्स्ट्रा भेजना पड़ता है। सो दैट अब इसको वापस से मैं एक बार ढक दे रही हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छे से हो गया है, और इसको अब मैं निकाल ले रही हूँ। और सेकेंड बैच हम बनने रख दे रहे हैं। और इसके साथ में ये हो गया है हमारा अपम ऑलमोस्ट रेडी। थोड़ा सा और रह गया है, इसे मैं फटाफट से बना लेती हूँ। और अब मैं अपनी पेट पूजा कर लेती हूँ पहले, और उसके बाद में पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट बना था, अच्छा अच्छा सा बना था, मज़ा आ रहा था खाने में, तीखा भी नहीं था, लाइट था। और अब चलते हैं बनाते हैं मसाला रोटी। तो मैंने इसमें थोड़ा सा चावल का आटा लिया है, थोड़ा सा बेसन लिया है और गेहूं का आटा, क्या ज़्यादा प्रोपोर्शन, 2 कटोरी गेहूं का आटा और 4-5 चम्मच चावल का आटा और 3-4 चम्मच बेसन है। तो यहाँ पर मैंने मिर्ची पाउडर डाल दिया है। मिर्ची पाउडर के साथ मैं इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर, नमक और थोड़ा सा। यहाँ पर मसाले डल गए हैं जिसमें मैंने चावल का आटा, गेहूं का आटा, मिर्ची पाउडर, जीरा, बेसन और नमक हो गया है। अब डालना है तेल। तेल डाल के इसको मिला के मैं आटा लगा के रोटी बना देती हूँ। तो मेरा टिफ़िन बॉक्स हो गया था रेडी। यहाँ पे आप लोग देखो, मैंने यहाँ पे 5 अपम रख दिए हैं, 1 रोटी रख दी है और थोड़ा सा लहसुन फरसान रख दिया है। इसको मैं डब्बे में बंद करके रख दे रही हूँ ताकि ये नरम ना पड़े। और ये हो गया है हमारा आज का इसका अभी का लंच बॉक्स रेडी। आज आपका फेवरेट है ना? फेवरेट ही है। तो बाबू स्कूल जा चुका था और मैं थोड़ा रेस्ट करने जा रही थी, तो यहाँ पे मेरी बेटी को अचानक से भूत आया मेकअप करने का, और यहाँ पे मेरे को लिपस्टिक लगा रही थी और पूरा मेकअप करना उसने मेरा स्टार्ट कर दिया था। बहुत खुश हो रही थी वो मेकअप करके। आईलाइनर लगा के हो गया था, अभी ये पाउडर लगाने जा रही थी। मुझे बहुत खुश हो रही थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके मुझे बताओ, और मेरा फाइनल मेकअप लुक आप एंड में देखना पाउडर लगाने तो के बाद। मेरा कुछ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट जरूर कर देना। लगा दिया है, इधर आईलाइनर लगा दिया, इधर विंग्स बना दिए उसने मेरे,
यहाँ गाल पे काला टिक्का लगा दिया है, चिन पे भी लगा दिया है। खुश हो गए, मैं सोने जा रही थी और वो मुझे मेरा मेकअप कर रहे थे।